तुम रेशमा के घर जाओ और गिफ्ट के तौर पर इसको ये दे दो। परफ्यूम? मोबाइल है इसमें, इसका फोन मुसलसल बंद जा रहा है। बहुत जरूरी है कि मुझसे बात करो प्लीज। थैंक यू। जरा बता रही थी सितारा तुमसे मिलने आई थी। क्यों क्यों आई थी वो घर? उसको क्या काम पड़ गया तुमसे? वो खुद आई थी। आप तो मेरा मोबाइल तोड़ चुके हैं ना, मैं कैसे बुलाती उसे? ये क्या? ये परफ्यूम है, पहली बार घर आ रही थी तो इसलिए लेकर आई है। हम जिन हालात में है ना, इन हालात में ख्वाब देखने पे भी पाबंदी है। मैं पीछे हट गया उससे, तुम भी पीछे ही रहो। आप क्यों पीछे हट रहे हैं? आपका रिश्ता तो हो सकता है ना सितारा से। मैं भी चलूं साथ? ये रात की फाइट होती तो तुम्हें साथ ले जाता। मैं तो कहता हूं आराम करो, नींद पूरी कर लो आज। लाइफ पार्टनर ऐसा ही होना चाहिए, कोई इशू ही नहीं है। जैसी हूं वैसी एक्सेप्ट करते हो। बहुत अच्छा लगा मुझे ये स्टाइल मोहब्बत का। It's very nice. मुझे तुम्हारी मोहब्बत का ये अंदाज बहुत अच्छा लगता है। तुम बस मुझे अपना रखते हो, सिर्फ अपनी जात तक महदूद, किसी दूसरे की परछाई तक नहीं पड़ने देते मुझ पर। क्या हुआ? और रात होने तक वापस आ जाऊंगा। डैड, आपने प्रोफेसर रजा के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। टीचर है वो मेरे, मैंने आपसे जस्ट यूनिवर्सिटी विजिट करने को कहा था, आपने सारे शहर का कूड़ा उठाकर उनके दरवाजे के सामने ढेर करवा दिया। साहबजादे हो तुम हमारे, तो कोई तुम्हारे साथ ज्यादती करे और हम हाथ पे हाथ धरे खामोश बैठे रहेंगे? तो सबक नहीं सिखाएंगे उसे? दैट्स नॉट फेयर। फिर से याद आया, आपने इलेक्शंस में वोट खरीदे थे।
आप मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? जवाब दीजिए ऐसे। डैड, मैं थोड़ा जिद्दी जरूर, गुस्सा भी आ जाता है थोड़ी जल्दी, लेकिन मैं बेईमान या चीटर नहीं, चैंपियन हूं तो अपने दम पर। आई होप आप भी बेईमान नहीं होंगे। ये सब अपोजिशन वालों की चाल है, और कीचड़ छालते रहते हैं एक दूसरे पर, मगर तुम इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया करो, खेल पर फोकस करो। आज मेरा मैच है दिलशेर के साथ, आप आएंगे देखने? यानी आज तुम शिकस्त देने वाले हो उसे। अब फिर तो आना पड़ेगा। चलें फिर, मैं चलता हूँ, आप जरूर आइएगा। जिम जाना, प्रैक्टिस करो, हमारे ये जो मसल्स है ना इनको बिल्ड होना चाहिए, बिल्ड करो इनको। और बाकी पंच कर रहे, अगेन सेकंड हैंड, गुड, शाबाश, इसी प्रैक्टिस। सी यू सर। सर ये है मेरे कोच। आहा, जब भी मैं कहूँ ये लड़का सब पे भारी क्यों पड़ रहा है। अशरफ खान। रजा, कैसे हो तुम? जबरदस्त, आपके कोच को मैं हरा चुका हूँ दिलशेर। पूरी बात बताओ ना बच्चे को। बात यह कि ये रोजी को इंप्रेस करना चाह रहे थे, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं रिंगमैन से हार जाऊं। बता बता। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। चैम रेडी हो जाओ जल्दी से, फाइट का सीन तैयार है। गुड लक। चिया अजय, अरे प्रोफेसर साहब, कैसे हैं आप? प्रोफेसर नहीं, कोच। इनसे मिले, ये हैं हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर चौधरी रियासत अली। खेल से इंटरनेशनली मुल्क का इमेज बेहतर करना चाहते हैं, और अशरफ दिलशेर के कोच हैं। चौधरी साहब किसी तारुफ के मोहताज तो है नहीं, काफी नामवर शख्सियत है, और इख्तदार इनसे बेहतर यूज करना कौन जानता है। बाय द वे, इन्होंने ही मेरा जिम जो है वो बिकवाया था। ये मैं क्या सुन रहा हूं मिनिस्टर साहब, आप तो कहते हैं कि आप बहुत बड़े स्पोर्ट्स लवर हैं। नहीं नहीं, ये स्पोर्ट्स लवर नहीं है, ये सिर्फ बेटा लवर है। इनके चैंपियन बेटे को कुछ कह दो ना, या ऊंची आवाज से बात कर लो, तो ये एकदम एक्शन में आ जाते हैं। और बाय द वे, आपकी गलत फहमी है कि ये इस खेल को इंटरनेशनली कहीं लेके जाना चाहते हैं, ये सिर्फ अपने बेटे को नेशनल लेवल तक ले जाना चाहते हैं, बस। चलिए। देखिए अखाड़ा बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।